क्या हाल चाल है दोस्तों, फाइनली टाइम आ चुका है GTA 6 2011 के 12 साल बाद। GTA 6 भाई काफी टाइम से टीज करी जा रही थी, बट अब भाई GTA 6 का ट्रेलर फाइनली लाइव हो चुका है। सारी चीजें भाई गेम के अंदर कैसी है, क्या क्या घुराफाती चीजें दिखाई गई हैं, सारी चीजें बताऊंगा। लेट्स गो। इस ट्रेलर के अंदर हमने ऐसी काफी सारी चीजें नोटिस करी जो आपको पता भी नहीं होंगी। आज की वीडियो में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। भाई मेरे को GTA 5 अब पहले बचपन की गेम लग रही है यार। ज्यादातर लोग जो आज के टाइम पे GTA 5 खेल रहे हैं उनको पता भी नहीं इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। मेरे सपने साकार होने वाले हैं भाई। इसका पहले वाला वर्जन GTA 5 इतना फेमस है कि अभी भी लोग भाई 3000 के प्राइस पे खरीदते हैं और उसके मॉड बना बना के उसको खेलते। GTA 5 ने अकेले ही $10 बिलियन कमाए थे, मतलब 83.5 करोड़ से भी ज्यादा। ये पूरी दुनिया की सेकेंड मोस्ट सेलिंग गेम बन चुकी है। अब ऑलमोस्ट 190 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स इसके बिके, एंड इस 12 साल के टाइम पीरियड में GTA ने इतने रिकॉर्ड बनाए कि भाई लिस्ट इसकी बहुत ज्यादा लंबी है। अभी भी लोग खेल रहे हैं जैसे ये फ्रेश ब्रांड न्यू गेम हो, और अभी भी ये भाई सबसे ज्यादा खेली जाने वाली गेम है। GTA 5 जिन लोगों को नहीं पता है, ये बेस्ट सेलिंग एक्शन एडवेंचर गेम थी पहले 24 आवर्स में। बेस्ट सेलिंग गेम थी 24 घंटे में, फास्टेस्ट वीडियो गेम, 1 बिलियन रेवेन्यू इसने क्रॉस करा था, मोस्ट व्यू ट्रेलर था, मोस्ट प्रॉफिटेबल गेम थी, और भी काफी सारे भाई अवार्ड्स की कोई कमी नहीं है। और 2K गेम जो रॉकस्टार को ओन करता है, उन्होंने कंफर्म करा कि भाई GTA 6 2025 तक $8 बिलियन आराम से कमा लेगा। मतलब जो GTA 5 की कमाई 12 सालों में करी गई थी वो GTA 6 बस एक साल में कर देगा। GTA 6 की पहली न्यूज फरवरी 2022 में आई थी, जब रॉकस्टार गेम की पेरेंट कंपनी ने कंफर्म करा था कि भाई GTA 6, बट सितंबर 2022 में GTA 6 पहली लीक निकाली गई थी, जिसमें रॉकस्टार खुद एक स्टेटमेंट निकालता है कि वो काफी डिसअपॉइंटेड है इस चीज से कि उनके नेटवर्क को किसी अनऑथराइज पार्टी ने हैक कर लिया था एंड उनकी चीजें लीक हो गई थी। तो भाई GTA 6 पहली ऐसी गेम है जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर होगा। रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो सेम कंपनी ने बनाई हुई है गेम, ये जिन लोगों ने खेली हो शायद ना खेली हो, ये अभी तक की सबसे ज्यादा रियलिस्टिक गेम है और ये उससे भी ज्यादा रियल होने वाली है। GTA 6 का मैप अभी तक का सबसे बड़ा मैप है एंड इसमें मिशंस वाइस सिटी में होंगे। भाई वाइस सिटी टॉमी वर्सेटी जिन लोगों को याद है, भाई मेरा बचपन याद आ रहा है मेरे को, बट आप में से काफी सारे लोगों को शायद पता भी ना हो वाइस सिटी क्या होती है। भाई टॉमी वर्सेटी कौन है भाई, आप ना पानी में जाके मर जाते हो, डायरेक्ट स्विमिंग में नहीं आती थी भाई को। बट और ना जाने भाई कितनी सारी न्यूज है, बट अब न्यूज रूमर सबको बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। फाइनली भाई GTA 6 का ट्रेलर। वो भाई मेरे को ना, मैं भाई जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे को ना जेन्युइन विश्वास भी नहीं हो रहा कि फाइनली ये ट्रेलर आ चुका है। ये वाला ट्रेलर रात में आने वाला था भाई, सुबह सुबह आ चुका है। बेसिकली ट्विटर पर किसी लीकस्टर ने इसको लीक कर दिया था। रॉकस्टार गेम्स ने खुद ट्वीट डाला कि भाई ये ट्रेलर तो लीक हो गया, तो हम जल्दी से निकाल देते हैं, हम असली वाले डाल देते हैं। अब की बार भाई स्टोरी काफी ज्यादा अलग है, फीमेल कैरेक्टर भी ऐड कर दिया है और ये काफी ज्यादा कूल लग रहा है। ग्राफिक्स ऑलमोस्ट रियल लाइफ वाले लग रहे हैं, इस बार ग्राफिक्स पे काफी ज्यादा काम करा गया। डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है कि ये रियल लाइफ से काफी सारी चीजें इंस्पायर्ड हैं। जैसे अगर आप पानी को देखोगे, जो स्काई है, फिर जो गाड़ियां चल रही हैं, जो टेक्सचर्स दिख रहे हैं आपको, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट रियल हो गई हैं। बट भाई वाइस सिटी भी कंफर्म हो चुका है और ये एक लियोनाइडा स्टेट में हो रहा है एंड ये ट्रेलर में कंफर्म हो जाता है। भाई मैं वैसे आपको एकदम ऑनेस्ट बताऊं, इन लोकेशंस पे मैं एक्चुअली जा रखा हूँ। वाइस सिटी एक्चुअली US में शूट हुई है, मायामी में, कौन तो मेरे को काफी अलग सा भी लगता है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ एक्चुअल ज्यादा ही रियल बना दिया। ये पहली बार है भाई GTA के अंदर एक फीमेल कैरेक्टर है और इसका नाम है लूसिया। भाई रॉकस्टार ने एक और गेम रेड डेड रिडेम्पशन 2 जिसमें काफी ज्यादा रियल था, एनिमल्स पर भी डिटेलिंग थी, वो सेम चीजें इसमें भी करी गई हैं। जैसे आप फ्रेम में भी भाई ऑस्ट्रिच देख सकते हो और बाकी बर्ड्स वर्ड देख सकते हो, काफी ज्यादा रियल लग रहा है और इनसे भी आप इंटरेक्ट कर पाओगे। कैरेक्टर्स में भी काफी डिटेल्स हैं, जैसे इस बंदे के दांत भी भाई गोल्ड के लगा रखे हैं एंड इसका टेक्सचर भी स्किन का काफी अलग सा दिख रहा है, चेन्स वेन्स काफी प्यारी दिख रही है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मैं ना जब बचपन में स्कूल कॉलेज में था तब मेरा मतलब GTA 5 जस्ट लॉन्च हुई थी और उस टाइम पे ना मेरे लैपटॉप में चलनी थी क्योंकि मेरा लैपटॉप बड़ा खटारा सा था। गेमिंग कंप्यूटर लेना मेरा सपना था कि भाई बस टेक्नोलॉजी, ये वाली टेक्नोलॉजी मिल जाए, मजा आ जाए। और उस टाइम पे बेसिकली
ले नहीं पाया था, बट अब वो सपना पूरा हो सकता है और मैं उसके लिए वो। इसमें हमको टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया जिसके लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं एंड कुछ भी रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, वो सारी चीजें मिल रही हैं। बेसिकली सोसाइटी का ऐसा लग रहा मजाक बनाया जा रहा है। गोप्रो टाइप फेस कैम भी दिखता है हमको, जो शायद हम मिशन के टाइम पे यूज कर पाएंगे। एंड उसके बाद हम इसके सेकेंड कैरेक्टर से मिलते हैं, जेसन। लगता है लूसिया एंड जेसन दोनों बॉयफ्रेंड इनका चल रहा है कुछ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला। इनको काफी जगह साथ में देखा है भाई। इस वीडियो में अगर आप छोटी छोटी चीजें नोटिस करो तो जो हेयर की फिजिक्स है, बाल कैसे मूव हो रहे हैं, GTA 4 और 5 में ये सारी चीजें नहीं था भाई। हमें काफी सारी नई गाड़ियां भी देखने के लिए मिली कि मैंने नोटिस करा कि भाई काफी सारी और जैसी दिखने वाली गाड़ियां हैं एंड ये सारी बीच वाइब्स वाली रोड है एंड इनके ऊपर जो लाइटिंग भी है वो भी काफी डिफरेंट रिफ्लेक्शंस दे रही है। ये वाली भाई वाइस सिटी बीच की रोड दिख रही है, अगर वही है तो काफी वाइस सिटी वाले लोकेशन भी यहाँ पे होने वाले हैं। एंड बहुत ही मतलब ये जो टॉमी वर्सेट्टी भैया है जो वाइस सिटी पुरानी गेम थी उसकी याद मेरे को डेफिनेटली बहुत ज्यादा आएगी इसमें, बट हम पानी में तो डेफिनेटली जा सकते हैं भाई। इसमें जो रिफ्लेक्शंस हैं एंड जो शैडोज हैं वो देखने में काफी अलग सा सरियल सा लग रहा है। GTA 6 PS5 Xbox Series X Xbox Series S 2025 तक ये सारी चीजें आ जाएंगी। PC की अभी कोई भी न्यूज नहीं है, सबसे पहले ये कॉन्सोल्स में आएगा देन उसके बाद ये सारी चीजें PC पे आएंगी। इसका ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज हो चुका है एंड इसमें भाई काफी गुंडा सा बंदा और पीछे ये हमारी लूसिया बहन बैठी है। ट्रेलर दिखा के ना ऐसे मुंह के सामने लड्डू कर दिया, अब मेरे से ना रुका नहीं जा रहा, मैं इतना टाइम कैसे वेट करेंगे। आई होप आपको भी उतना ही इंतजार हो जितना मुझे। मैं डेफिनेटली काफी एक्साइटेड हूँ, बट हाँ भाई लेट्स गो।